दोस्तों, मैं हूँ आरोही और आज इस वीडियो में बताऊंगी कि पीरियड के लेट से आने के रीजन क्या है, किन कारणों की वजह से पीरियड में देरी हो जाती है। वैसे एक या दो दिन की देरी या दो से तीन दिन की देरी जो है ज़्यादा देरी नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिनकी वजह से देरी हो जाती है और आपको उन कारणों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। पीरियड सही समय में ना आने का कारण हो सकता है आपका डाइट, जी हाँ खाना, उसके साथ साथ ही एक्सरसाइज। ये सारी चीज़ें हैं जो आपके पीरियड को सही से होने नहीं देते। सिंपल सी बात है, एग जब बनेगा तभी तो वो रिलीज़ होगा, लेकिन एग अगर हेल्दी ना बने तो वो रिलीज़ होगा कैसे? तो एग बनने के लिए आपको ज़रूरी प्रोटीन्स चाहिए, ज़रूरी विटामिन चाहिए, एक हेल्दी डाइट चाहिए। कई बार पीरियड टाइम पे ना आने का कारण हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के कारण भी, और अच्छी नींद न लेने के कारण भी पीरियड सही टाइम पे नहीं आती है। बच्चे को दूध पिलाने वाली महिलाओं में, यानी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, उनमें भी नहीं आती है टाइम पे पीरियड्स, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो उनका हॉर्मोन ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने में लग जाता है। इस वजह से ही कई बार जो है नहीं होता है सही टाइम पे पीरियड। बर्थ कंट्रोल पिल्स यानी कि अनचाहे प्रेगनेंसी को रोकने वाली दवाएँ, जिनकी वजह से भी पीरियड नहीं आती है। मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, ये सबसे बड़ा रीज़न है और आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा और सबसे गहराई से देखा गया है कि यही मोस्टली रीज़न पाया गया है सही टाइम पे प्रेगनेंसी ना आने की वजह। थायराइड, हाइपरथायरॉयड या फिर हाइपोथायरॉयड, किसी भी तरीके की थायराइड हो उसके वजह से भी कई बार जो है पीरियड नहीं आते। दुबलापन, अगर आप जरूर से ज़्यादा पतले हैं तो भी आपके शरीर में विटामिन न्यूट्रिएंट्स की कमी है, इस वजह से भी पीरियड्स टाइम पे नहीं आते। प्री मोनोपॉज भी एक ऐसा कारण है, यानी कि समय से पहले ही आपके मासिक चक्र का रुक जाना हमेशा के लिए, ये भी एक कारण हो सकता है। कई बार गर्भाशय के यानी अंडाशय के आसपास, ओवम के आसपास, ओवरी के आसपास जो है काफ़ी बार जो है जम जाते हैं ब्लड क्लॉट्स, उसकी वजह से भी नहीं आते हैं। कई बार फैट जम जाने के कारण भी जो है पीरियड्स नहीं आते। यह बहुत सारी रीज़न जो मैंने आपको बताया, पर मोस्टली कॉमन देखा गया है कि हेल्दी डाइट ना लेने की वजह से महिलाओं में और लड़कियों में ये सारी समस्याएं होती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो, प्लीज़ लाइक करना, और जी हाँ वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।